यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। तो मीटर रूल है यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबाई होगी, यानी कि ये जो लगा हुआ है फलक्रम अपना वो 50 सेंटीमीटर पे होगा, है ना। यहां जो है मैं 50 सेंटीमीटर मार्क उधर नहीं लिख रहा हूं, मैं थोड़ा दूरी पे लिख रहा हूं। अच्छा, और अ वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। तो मैं वन एंड इसी तरफ मान ले रहा हूं, जीरो पे 50 GF, ये 0 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है। और वेयर शुड अ वेट ऑफ 25 GF मस्ट बी सॉरी वेयर शुड बी अ वेट ऑफ 100 GF मस्ट बी सस्पेंडेड टू कीप द रूलर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अगर अगर हम लोग मान लीजिए कि 100 का यहां लगा देते हैं, तब क्या होगा कि ये वाला मोमेंट डोमिनेट कर जाएगा, तो हमारा ये जो मीटर स्केल है ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा बड़ी बेवकूफी कर दें कि 100 GF को यहीं लटकाने की कोशिश करें, तब तो कोई बात ही टूट नहीं, जाएगा। तब तो मतलब स्केल ही गिर जाएगा और ये फिर इसी तरह होगा। हमें बैलेंस करना है, यानी कि बैलेंस इस तरह करना है कि मोमेंट इक्वल टू जीरो, टोटल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। क्लॉकवाइज नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, दोनों मिलकर जीरो आ जाए, ऐसे आना चाहिए। तो हम चाहते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये गोल है हमारा। तो इसलिए ये कैसा ले जा रहा है, ये ले जा रहा है ऐसे ले जा रहा है, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग पहले से ही 50 GF मल्टीप्लाइड बाय 0 से 50 डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ये लिख ले रहे हैं। अब यहां पे 100 GF की जिम्मेदारी है कि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट दे, लेकिन कितना डिस्टेंस पे ले हमें नहीं पता है, तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस एक्स है ये यहां कहीं होगी, हमें पता नहीं है एक्स कितना होगी, तब भी अपना डायग्राम कंप्लीट करने के लिए इसको लटका देते हैं। 100 GF थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखना चाहिए, इससे दिख भी रहा है। ठीक है, अब बस अपना काम होते हुए लग रहा है, एक्स आ जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर आप 50 × 50 करने लगे यहां पे, नो ये मत करिए। डिवाइडेड बाय 100, जीएफ जीएफ कट जानी है, जीएफ वैसे भी कट जाती है। ओके, तो 5 × 25, 5 × 5 = 25, तो 25 सेंटीमीटर पोजीशन पे ये रहेगा। आप देखते हैं आंसर कैसे सबमिट करना है, एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी अदर एंड, ऐसे बोल रहा। ठीक है, तो अब ये मजे की बात ये है कि हम लोगों ने ये 25 सेंटीमीटर निकाला है, बट यार देखो ये 50 है और ये 100 है, तो चाहे आप इधर से 25 बोले और चाहे इधर से 25 बोले, आप बात उसी पोजीशन की कर रहे हैं। तो आप चाहे ये बोल दें 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम, या 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड, या आप ये भी बोल सकते हैं एट 75 सेंटीमीटर, ये भी आप बोल सकते हैं एट 75 सेंटीमीटर मार्क, ऐसे भी सबमिट करके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम में क्लियरली पूछा जाएगा फ्रॉम द अदर एंड, फ्रॉम द फलक्रम, या एट विच मार्क, ताकि सभी बच्चे एक ही जैसा आंसर सबमिट करें और अंकल लोग को चेक करने में आसानी रहे।